चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन गारंटी की जिनको लेकर कहा जा रहा है कि भाई चैलेंज करके दिखाइए और इनमें कमियां निकाल कर दिखाइए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो कांग्रेस की 7 गारंटी है वो है क्या। महिला मुखिया को हर साल 10,000 रुपए देने की गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदने की गारंटी, सरकारी कॉलेज के पहले साल के विद्यार्थियों को लैपटॉप देने की गारंटी, और ये सब चुनाव जीतने के बाद है। हालांकि इसमें से एक योजना ऐसी है जो अभी भी लागू है। बहरहाल प्राकृतिक आपदा पीड़ित परिवार को 15,00,000 रुपए तक का फ्री बीमा देने की गारंटी, हर विद्यार्थी के लिए अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की गारंटी, इसमें से कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल अभी भी चल रहे हैं। 1,04,00,000 परिवारों को 500 रुपए में सिलेंडर की गारंटी, इसमें से भी अभी 70,00,000 के आसपास परिवारों को सिलेंडर देने की बात हो रही है। सरकारी कर्मचारियों के लिए ओपीएस कानून लाने की गारंटी, हालांकि सरकार ने राजस्थान में ओपीएस को लागू किया है लेकिन इसको कानून का अमली जामा पहनाने की गारंटी सरकार दे रही है। और साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि अगर आप इनको चैलेंज करें तो माने, इन पर बातचीत कीजिए, खुले मंच पर बातचीत कीजिए। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को सीधा चैलेंज किया गया है। अब इसके अपने आप में सियासी मायने हैं। क्या वाकई में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनाव को मुख्यमंत्री गहलोत वर्सेस पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करना चाहते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी इस चुनाव को किसी चेहरे के साथ लड़ नहीं रही, और यहां जब हम किसी चेहरे की बात करते हैं तो वो राजस्थान के लोकल लीडर की बात कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि कमल का निशान है और प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, और कांग्रेस सरकार राजस्थान में अपनी योजनाओं को भी केंद्र की योजनाओं के साथ कंपेयर करके ये बताती है कि देखिए वहां एनपीएस है, यहां ओपीएस है, वहां 900 रुपए में सिलेंडर है, 500 रुपए में सिलेंडर है, हालांकि अब वहां भी 600 रुपए में सिलेंडर हो गया है। वहां इस तरीके से योजनाएं चलती है, आयुष्मान में, हमारे यहां चिरंजीवी में इस तरीके से। तो अगर चैलेंज करना था तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं किया? क्या इसके भी अपने आप में सियासी मायने है कि जो गारंटी को चैलेंज किया गया उसके पीछे की रणनीति दरअसल कुछ और है? आज बात इसी मुद्दे पर। ये दरअसल वो दो चेहरे हैं जो अक्सर एक दूसरे पर बयान देते हैं और बयान देकर समझ नहीं आता कि वो समर्थन कर रहे होते हैं या विरोध कर रहे होते हैं, ये एक दूसरे को काट रहे होते हैं। और यही सवाल है कि जब गारंटी साथ दी गई तो चैलेंज की खुली चुनौती पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को क्यों नहीं दी गई? संगठन के तौर पर सीपी जोशी को दी जा सकती थी, केंद्र के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को दी जा सकती थी। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर निमिषा गौर जी। प्रतीक, शुरुआत आपके साथ, जरा बताइए भाई चैलेंज अगर आपको कराना है तो चैलेंज आप किससे कराएंगे? वर्तमान में राजस्थान की योजनाओं को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? देखिए, वर्तमान की जो हमारी योजना है हम उसको पूर्ववर्ती जो वसुंधरा राजे जी की सरकार रही है उससे कंपेयर कर रहे हैं, और उसे कंपेयर करने के नाते हमने बोला है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा कि अच्छा शासन नहीं चला है, तो हम मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज दिया है, आइए आकर के डिस्कस कर लीजिए। आप अपने 5 साल की जो स्कीम लाए थे वो बता दीजिए और हमने हमारे 5 साल में जो स्कीम लागू की है वो बता देते हैं, उसके बाद में इनका घोषणा पत्र तो जब आएगा तब आएगा, तब देखा जाएगा। हमारी जो 7 गारंटी है उस पे बात कर लीजिए, खुले मंच पे बात कर लीजिए, उसकी कमियां निकाल दीजिए, और अगर गलत हम नीति लेकर के आ रहे हैं, गलत निर्णय लेकर के आ रहे हैं तो आप बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि उस 7 गारंटी से में आप विश्वास रखते हैं या नहीं रखते हैं, उस पे बीजेपी का स्टैंड क्या है ये भी बता दीजिए। लेकिन प्रतीक, ऐसे तो बीजेपी का भी घोषणा पत्र आएगा। मेरा सवाल एक और है भाई, आज अगर मैं ये कहूं कि 1 साल के बाद मैं माउंट आबू में या कहीं फला जगह पर वहां मौजूद रहूंगा और यहां से उंगलियों के बल चलता हुआ जाऊंगा और फिर मैं चैलेंज करूंगा कि किसी में हिम्मत है तो मुझे चैलेंज कीजिए, जो परिणाम अभी तक आया ही नहीं, जो सिर्फ घोषणा है उसको लेकर आप कह रहे हैं कि चैलेंज कीजिए? देखिए, घोषणाएं और जो गारंटी की बात है वो गारंटी पे राजस्थान की जनता ने 5 साल पहले विश्वास किया था और 5 साल के अंदर हमने उनको सुशासन दिया और हमारी अलग अलग नीति, जनहितैषी नीति, हमारे काम के दम पर
हम जनता के बीच में लगातार 5 साल बने रहे और जनता ने हमें आशीर्वाद दिए, सारे उपचुनाव जीते, और इस 7 गारंटियों पे भी जनता इसीलिए विश्वास कर रही है कि ये 5 लाख रुपए का झुंझुना पकड़ाते हैं किसी गिने चुने लोगों को सिर्फ इलाज के लिए, और वही हरियाणा का व्यक्ति बोलता है कि तुम 5 लाख क्या दे रहे हो, वहां पे तो अशोक गहलोत जी 25 लाख रुपए का दे रहे हैं जी। वही 500 रुपए का जो सिलेंडर था वो 1170 रुपए का करवा दिया था, तब राजस्थान की जनता ने तय किया था, राजस्थान की सरकार ने, कि 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, और आज भी उज्ज्वला वालों को 600 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है अन्य राज्यों में, तो ये बोल रहे हैं कि वापस से आकर के 600 रुपए का सिलेंडर दे देंगे, हम तो 500 रुपए का दे रहे हैं, और उज्ज्वला से बढ़कर के लगभग 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को हमने 500 रुपए सिलेंडर देने की बात की है। इस पर आप चैलेंज करते हैं कि हमने जो योजनाएं एग्जीक्यूट की हैं उन पर आकर चैलेंज करते हैं हम, आइए कमियां निकालिए उनमें, ये आप तो उनकी बात करें जो है ही नहीं कहीं। हमने तो ये बोला है कि हमने जो योजनाएं लगाई हैं उस पे आप बात कर लीजिए, और ये जो 7 गारंटी आप बताइए गोबर कैसे उठाएंगे, 7 गारंटी देने कैसे की जो गोबर हम उठाएंगे 2 रुपए किलो में, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उठा रहे हैं बता रहे हैं, हमारे कांग्रेस पार्टी के पास तो नीति है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के पास तो नीति है इंप्लीमेंटेड, हमने जिस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर इंप्लीमेंट किया है, जिस तरीके से गृह लक्ष्मी गारंटी को हमने कर्नाटका के अंदर हमने इंप्लीमेंट किया, उस तरीके से करेंगे जी, आप बताइए हम कर देंगे उसको, और कराए, ये गलत बात है, कर्नाटका में इंप्लीमेंट हो चुका है, मैं हमारी गारंटी करता हूँ भाई, अगर जनता को कुछ मिल रहा है तो सरकार जनता से लेकर जनता को ही दे रही है, अप्रिशिएट होना चाहिए, जनता को मिलना ही चाहिए, लेकिन ना। जो हो रहा है, जो हो चुका है उसको चैलेंज किया जा सकता है। निमिषा गौड़ जी, क्या वाकई में इन 7 गारंटी में से चुन चुन कर बताइए आप कौन कौन सी आपको ऐसी लग रही है कि भाई वो फिजिबल नहीं है, और अगर हमारी सरकार आ गई तो इनमें से इस गारंटी को हम हटा देंगे, इस गारंटी को हम हटा देंगे और इसके जगह कुछ और लेकर आएंगे, बताइए जरा कौन कौन सी। देखिए विजेंद्र जी, सर्वप्रथम तो गारंटियां क्या और गारंटियां क्यों, ये इस पे जाना होगा हमें, जैसे जैसे चुनाव पास आते रहे, सर्वप्रथम तो ये गए मिशन 230 पर, 20-30 मिशन पर उड़ गए, और मिशन उड़ करके डिजाइन बॉक्स में से निकला, वो मिशन भी उड़ करके कहां गया, राजस्थान की जनता ने उसको नकार दिया। फिर आए इनके राहुल गांधी जी, उनका मुश्किल है, टक्कर है राजस्थान के अंदर, राजस्थान की जनता नकार रही है ऐसा उनको एहसास हुआ। फिर आते हैं ये नई गारंटी पर, जिस कांग्रेस की खुद की वारंटी नहीं है वो कैसी गारंटी, तो क्यों पर आऊंगी मैं। सबसे पहले आप देखिए, राजस्थान की राजनीति के इतिहास में से कभी नहीं हुआ होगा कि राजस्थान की सरकार के मंत्री, राजस्थान के सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना, एक पूर्व मंत्री, वर्तमान मंत्री कह रहे हैं चुनाव नहीं लड़ना। देखिए विजेंद्र जी, मैं आ रही हूं, प्रदेश की जनता जानना चाहती है क्यों 2030 का जिक्र कर रहे हैं, गारंटी आप 2030 का जिक्र कर रहे हैं, मैं 2023 का जिक्र कर रहा हूं, कहते हैं वो 2014 में कहा था कि साल की आमदनी की गारंटी हो जाएगी, झूठ और जुमला मोदी की गारंटी, सरकार के झूठे प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, मोदी की गारंटी, आप गारंटी, आप 7 गारंटी की बात कर लीजिए, एक मिनट, आप प्रतीक जी बोलिए, बौखलाई है, नहीं आप गारंटी बात कीजिए, प्रदेश जी, प्रदेश से कांग्रेस की सरकार जा रही है, बताइए ना भाई 7 गारंटी को चैलेंज किया, बताइए ना कौन-कौन सी फिजिबल नहीं होगी, जिस गारंटी की कोई वारंटी नहीं उस पे चर्चा हो रही है। चलिए आप बोलते हैं कि हम गोबर एकत्र करेंगे 2 रुपए, बताइए संतरे या आपके यंत्र कहाँ पर है, कलेक्शन के लिए क्या प्रोजेक्ट है, और ये ऑलरेडी केंद्र सरकार की चल रही है जिसको महाराष्ट्र और गुजरात ने अडॉप्ट किया है। आपको जब उत्तर है आपका समय आएगा तब बोलिएगा प्रतीक जी, आप बीच में बोलेंगे तो मैं आपको डिबेट नहीं करने दूंगी। विजेंद्र जी आप उनको बोलिए, अपनी मर्यादा में रहे। अरे मैम रुके ना भाई, आप ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार गोबर उठा रही है। सुनिए गृह लक्ष्मी योजना, गृह लक्ष्मी योजना 10,000 रुपए देने की, 10,000 रुपए उस बीमारू राज्य में जिसमें पर व्यक्ति पर, हर व्यक्ति के ऊपर 64-65 हज़ार का कर्जा राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने छोड़ा। पहली योजना तो ये हो गई, कर्नाटक के अंदर पहली योजना तो ये हो गई ना मैम, अरे मैम सुनिए ना प्लीज, नहीं नहीं पॉइंट टू पॉइंट डिबेट होगी मैम, नहीं आप ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो जो 10,000 रुपए महिला को दिए जाएंगे बीजेपी उस योजना को नल एंड वॉइड करेगी, खत्म कर देगी, आप यही कह रहे हैं। मैंने कांग्रेस की सरकार की हकीकत बताइए, क्या गारंटी है, मैं ये पूछ रहा हूँ इनमें से किसको हटाएंगे किसको रखेंगे आप बताइए ना। रखिए तो सर, हिमाचल और कर्नाटक में इनकी सरकार है, हिमाचल में इन्होंने कहा 1350 हमारी सरकार, भाजपा सरकार देती थी, जो जोर से ढोल बजाया कि हम 2000 देंगे, 2000 रुपए भी नहीं दिए। कर्नाटक में कहा कि हम देंगे 2000 रुपए, ये कह के अटका दिया कि महिला मुखिया के अभी बैंक और आधार कार्ड लिंक नहीं है, प्लीज चेक करवाइए आप, कोई योजना कार्यान्वित करने के लिए धरातल पर नहीं है।
मैं फिर कहती हूँ, लेकिन यहाँ तो कनेक्ट है ना मैम, कांग्रेस सरकार यहाँ कैसे होगी? यहाँ तो कनेक्ट पर कैपिटा पर व्यक्ति पर आपने कितना बड़ा आपने लोन ले रखा है, हर व्यक्ति फिर वही मैम भाई अगली पे आते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई राजस्थान स्थिति में नहीं है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो हमारे खाते में 10,000 रुपए दे दे, राजस्थान स्थिति में नहीं। आप ये कह रहे हैं, आप मुझसे इनकी पोल पूछ रहे हैं कि हमारा, मैम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारा संकल्प पत्र आएगा, हम अपनी बात करेंगे, कांग्रेस की गारंटी की पोल खोल रही हूँ मैं यहाँ पर। अरे कमाल कर रहे हैं मत बताइए, मैं इनकी पोल खोल रही हूँ भाई। आप ये कह रहे हैं ना कि फिजिबल नहीं है गारंटिया? अरे निमिषा जी आप ये तो कहिए ना कि फिजिबल नहीं है गारंटिया? आप ये कह रहे हैं कि 10,000 हर महिला के खाते में डालना फिजिबल नहीं है? बिल्कुल विजेंद्र जी फिजिबल नहीं है ना, कि आपने अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहे हैं ना, ये अंग्रेजी माध्यम में हम खोलेंगे, खोल रहे हैं हम लोग। आप बताइए अंग्रेजी माध्यम से कितने टीचर अपॉइंट है, कितने टीचर अपॉइंट है अंग्रेजी माध्यम से? प्रतीक जवाब दीजिए। 125 टीचर एक मिनट प्रतीक जवाब दीजिए। 10,000 की तो अभी भर्ती निकाली है 3 महीने पहले ही, और इनके समय पे अंग्रेजी माध्यम स्कूल थे जीरो, प्रतीक जीरो थे, इनके कितनी निकाली है ये नहीं, कितने टीचर लगा दिए ये बताइए, भर्तियां तो पता नहीं कितनी निकल गई। 10,000 लोगों को अपॉइंटमेंट दे चुके हैं अभी 3 महीने पहले, और इनके समय में अंग्रेजी माध्यम स्कूल कितने थे? जीरो। अंग्रेजी माध्यम जीरो। चैलेंज दे रहा हूँ मैं, लिस्ट पढ़िए मैडम, मैं हमने 2,000 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले, और खोलने के बाद में गारंटी दी है, उड़ती गारंटी नहीं दी है, पहले इंग्लिश माध्यम स्कूल खोले, टीचरों का अपॉइंटमेंट किया, उसके बाद में गारंटी दी है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी जुड़ गए। मिथिलेश जी पहला सवाल मेरा ये है सर आपसे कि मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं कि भाई 7 गारंटी मैं दे रहा हूँ, चैलेंज करके बताइए। अब मुझे इसमें थोड़ी सी समस्या है, मैं आपसे इसको राजनीतिक तौर पर समझना चाहूंगा, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस चुनाव को पूर्व मुख्यमंत्री वर्सेस अपने चेहरे के साथ करना चाहते हैं? क्योंकि योजनाओं का जो मूल्यांकन वो करते हैं, वो करते हैं मोदी सरकार के साथ, और चैलेंज किया गया है पूर्व मुख्यमंत्री को, इसके मतलब बताइए। देखिए देखिए जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि ये जो चुनाव नरेंद्र मोदी बनाम अशोक गहलोत हो जा रहा है उसको कहीं ना कहीं डाइवर्जन किया जाए कि वसुंधरा राजे बनाम अशोक गहलोत हो जाए, तो उन्हें उम्मीद है कि वो थोड़ा फायदे का, क्योंकि बार बार वो राजा खेड़ा में जाकर कभी वसुंधरा राजे की वजह से सरकार को बचाने की अपनी तारीफें करते हैं, कभी कहते हैं मैंने वसुंधरा जी की तारीफ की, उसका जख्म वो झेल रही है, ये तमाम जो बातें हैं वो ये बताती है कि कहीं कहीं अशोक गहलोत की हार्दिक मंशा है कि ये चुनाव वसुंधरा राजे बनाम अशोक गहलोत हो जाए, जो 25 साल से चल रहा है, जिसमें एक बार अशोक गहलोत जीत जाते हैं, एक बार वसुंधरा राजे जीत जाती है। और जो भाजपा ने इस बार होशियारी की है कि किसी को सीएम फेस घोषित नहीं किया है, अशोक गहलोत की हार्दिक मंशा है कि ये सिनेरियो चेंज हो जाए, और ये सिनेरियो चेंज होकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे बनाम अशोक गहलोत हो जाए, तो निश्चित रूप से जो भाजपा को एक बड़ा फायदा हो सकता है कि जो बार बार में जो आरोप लगते हैं वसुंधरा राजे जी के ऊपर, उनको वो क्लीन चिट दे चुके हैं। देखिए सचिन पायलट ने जब अपनी 3 मांगें रखी थी और आरपीएससी के दरवाजे से जो यात्रा शुरू की थी, उसमें भी ये कहा था कि वसुंधरा राजे जी के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, 7 गारंटियां वाली है, उनको चुनौती दे दें, ये चुनौती जैसा विषय नहीं है, इनको आपने लागू नहीं की जी। मैं घोषणा कर दूं कि मैं महल बना के दे दूंगा जी। मिथिलेश जी आप ये कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि इस चुनाव को लोकल ही रहने दिया जाए, केंद्र की योजनाओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ इसको फाइट में ना लाया जाए, उससे राजस्थान में कांग्रेस को फायदा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक गहलोत की हार्दिक मंशा है ये चुनाव लोकल मुद्दे पर रहे, और मोदी जी भी कहते हैं लोकल फॉर वोकल, तो उसी कड़ी को उठाकर अशोक गहलोत जो सियासत के जादूगर है कहीं कहीं भाजपा को घेरना चाहते हैं, और वो बार बार कहते हैं कि वसुंधरा राजे उनके पास इतना बड़ा चेहरा है, तमाम कांग्रेसी नेता वसुंधरा राजे के प्रति संपत्ति दिखाते हैं, लेकिन भाजपा वाले भी पूछते हैं कि 13 नंबर का बंगला खाली क्यों नहीं कराया, क्या पहले से ही तय था ये मामला? ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि 13 नंबर का बंगला
जिसके लिए कभी घनश्याम तिवारी ने पैदल मार्च किया था, क्यों भूल गए अशोक गहलोत? और जो उनके खास सचिन पायलट रहे हैं, जिनके लिए जो भी कहा मानेसर प्रकरण के बाद, उन्होंने भी कहा था कि आप जांच कराइए खान घोटाले की, आप जांच कराइए कालीन घोटाले की, क्यों अशोक गहलोत जी पीछे चले गए? क्यों माथुर आयोग की रिपोर्टों को उन्होंने कहा कि सब में क्लीन चिट मिल गई है? तो ये तमाम चीजें हैं जो अशोक सिंघी वाला खान महागूस कांड है वो किसी से भूला नहीं है जी। दिनेश एमएन यही है। मितले जी, एक लाइन में कीजिए ना इसको, एक लाइन में वाइंड अप कीजिए ना मितले जी, इस पूरे जो आप घटनाक्रम बता रहे हैं एक लाइन में समझाइए। देखिए, अशोक गहलोत की सीधी मंशा है कि केंद्र की योजना बनाम राजस्थान की योजना नहीं हो। जो मोदी बनाम गहलोत एक चुनाव बनता जा रहा है, ये वसुंधरा बनाम अशोक गहलोत बन जाए और जो मुख्यमंत्री की रेस में बीजेपी के शामिल चेहरे हैं वो पीछे खिसक जाए, जिससे वो कार सेवा करने में लग जाए और कांग्रेस को लाभ हो जाए। बाकी गारंटी वारंटियां तो कुछ नहीं है, इन गारंटियों का कुछ बन नहीं रहा है, सच्चाई है। ठीक है मिथिलेश जी, शुक्रिया, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतीक, बार बार आप उंगली उठा रहे थे, बताइए क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे जो 7 गारंटियों की आप बात करेंगे तो हमने उसको इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है पहले से। आप देखिए, अब ये मैं तो बीच में बोलने लगे, 40 लाख महिलाओं को हम लोग 1,000 रुपए प्रतिवर्ष पेंशन दे रहे, प्रति माह पेंशन दे रहे हैं। आप देखिए, 3600 से ज्यादा अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले और वहाँ पे 6 लाख बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। आप अगर सिलेंडर की 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात करेंगे तो 76 लाख परिवारों को हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। अगर आप लैपटॉप गारंटी की बात करेंगे तो हमने 40 लाख महिलाओं को मोबाइल में दिया है। अगर आप चिरंजीवी आपदा राहत बीमा की गारंटी बात करेंगे तो हमने चिरंजीवी और दुर्घटना और यहाँ पर बीमा दिया है, तो हमने पहले से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, इसके अंदर नई बात नहीं है। और आप गारंटी कह रहे हैं कि सबको गारंटी के साथ मिलेगा, नहीं नहीं, सवाल ये है ही नहीं आज। मेरा सवाल तो आज ये है कि भाई चैलेंज भविष्य है प्रतीक, चैलेंज अगर मैंने पिछले 4.5 साल में प्रतीक मैंने यही सुना है कि भाई केंद्र सरकार की आयुष्मान में ये है, हमारी चिरंजीवी में ये है, केंद्र सरकार का सिलेंडर इतने का है, हमारा सिलेंडर इतने का है, यही सुना है ना। तो जब चैलेंज किया जाना था तो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते सीधे, प्रधानमंत्री मोदी या मुख्यमंत्री थोड़ी बनने आ गए, अगर वो आ रहे होंगे तो उनको चैलेंज करेंगे और उनको चैलेंज करते हैं। आप बताएं, 2014 में बोला था 35 रुपए पेट्रोल डीजल मिलेगा, क्या मिला? क्या क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष मिल गए? क्या क्या काला धन वापस आ गया? क्या 100 करोड़ 100 स्मार्ट सिटी बन गई? क्या गंगा साफ हो गई? क्या कैश फ्लो कम हो गया? क्या हुआ बताइए आप? हुआ कुछ भी नहीं है। इसलिए उनका झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है, इसलिए उनसे कोई चैलेंज है ही नहीं, क्योंकि झूठ और जुमला जो है वो मोदी की गारंटी है, उसकी वो गारंटी हमको नहीं चाहिए। झूठ और जुमला मोदी की गारंटी है, की सरकार के मुखिया प्रदेश की जनता, झूठ और जुमला मोदी की गारंटी। ठीक है, लेकिन प्रतीक एक मिनट प्रतीक भाई, ये भी तो सच्चाई है ना कि बाकायदा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ, बाकायदा मुख्य सचिव के हस्ताक्षर के साथ सभी किसानों के कर्ज माफी की बात हुई थी। ये सच है या नहीं? एक करोड़ महिलाओं को, 1 करोड़ महिलाओं को मोबाइल देने की बात हुई थी, है या नहीं? फेस छोड़ दीजिएगा, ये भी सच्चाई है ना कि जो राशन किट आप बांट रहे थे वो राशन किट होल्ड हुई क्योंकि उसमें कमियां पाई गई और कार्रवाई नहीं हुई। कोई होल्ड नहीं हुई। जिन्होंने नकली मिर्च बेची, जिन्होंने नकली हल्दी बेची, उन पर कार्रवाई नहीं हुई। आपकी बात पे हां जी, हमने 21 लाख किसानों का 15,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया, केंद्र की सरकार ने 1 रुपए का भी किया क्या? क्या आस पड़ोस की सरकार ने 1 रुपए का भी कर्जा किया क्या? और वो कर्जा कब का था? वसुंधरा जी की सरकार के समय चढ़ा था वो किसानों पे, इन कुनीतियों के कारण चढ़ा था किसानों के ऊपर। आप बताइए भाई प्रतीक, उसी वादे के साथ तो सरकार आई थी, तो करा ना हमने, उसी वादे के साथ तो सरकार आई थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, इन्होंने 1 रुपए का, और इन्होंने संसद में बोला है कि हमारी कोई भी मंशा नहीं है किसानों का कर्ज माफ करने की, संसद ने बोला है। ये आप 3 कानून लाकर के किसानों को मारने का काम किया इन्होंने, बताइए। अच्छा एक मिनट ठीक है, दोनों को नहीं सुन पा रहे। एक और प्रतीक ये और बताइए, ओपीएस, एक मिनट प्रतीक, ओपीएस, हाँ सुनिए ना भाई, गारंटी आपने ही दी है, गारंटी आपने ही दी है। मैं कह रहा हूँ ओपीएस को कानून, ओपीएस पर कानून लेकर आएंगे, इसका मतलब क्या है? पेट्रोल देने का वादा नहीं हुआ था क्या? 35 रुपए लीटर पेट्रोल देने का वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? 2014 में काला धन लाने का वादा हुआ था कि नहीं हुआ था? यही तो 2 करोड़ रोजगार प्रतीक, यही तो मैं कह रहा हूँ भाई, 4.5 साल भी यही गिनाए गए,
आप भी डिबेट में यही गिना रहे हैं कि केंद्र ने क्या वादे किए और नहीं हुए। लेकिन चैलेंज किया जा रहा है पूर्व मुख्यमंत्री को, वो बताया है जो हमने वादे पूरे किए, जिन्होंने 1170 रुपए में सिलेंडर पहुंचाया, हमने 500 रुपए में किया, और इन्होंने योजना के एक दर्जन बोला है राज्यसभा के अंदर बोला इन्होंने कि 7.5 करोड़। निमिषा जी एक मिनट, क्या कह रही है चिरंजीवी में क्या? योजना के एक दर्जन लाभार्थी, मात्र एक दर्जन लाभार्थी, मुझे यहाँ पर चैनल पर लाइव में इनको चैलेंज करती हूँ, लाके दिखा दीजिए। अरे वो तो मुख्यमंत्री के साथ संवाद कर चुकी है, एक दर्जन से ज्यादा नहीं, योजना हजारों पर्ची है आपके, आप देखिए कोई हजारों नहीं है, कोई लाखों नहीं, एक दर्जन का चैलेंज किया मैंने आपको। आयुष्मान योजना से लाभार्थी है आपको, उज्ज्वला योजना के थोड़ा सा सही कर देंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के मिल जाएंगे। आप इस सवाल को थोड़ा सही कर दीजिए, आपका सवाल सही हो जाएगा। आप ये पूछ सकती हैं कि भाई वो लाभार्थी बताइए जिनको 5 लाख से ऊपर का बिल आया हो और आयुष्मान से शिफ्ट होकर जो चिरंजीवी में गए हो। प्रतीक ये बताइए भाई, 5 लाख से ऊपर का जब बिल आएगा तभी तो चिरंजीवी में आएगा। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी, जो 5 लाख रुपए का जो आयुष्मान भारत देते हैं ना, ये इन्हें चुने लोगों को, हर एक व्यक्ति को नहीं है, और इसीलिए आप गुजरात और यूपी में जाएंगे तो मात्र 30% लोग कवर है और राजस्थान में 95% लोग कवर है। कितने हजार भारत, आप चाहेंगे तो आप कवर नहीं हो सकते, मैं चाहूंगा तो मैं कवर नहीं, ये चाहेंगे तो ये कवर नहीं हो सकते, क्योंकि वहां लिमिट है, वहां पे सिर्फ गरीबों को, मजदूरों को, उनके लिए हमने हर एक राजस्थानी को गारंटी दी है। अच्छा प्रतीक, अभी तक प्रतीक कितने हजार करोड़ अभी तक चिरंजीवी के मत से खर्च हो चुका है, दिए जा चुके हैं 100 करोड़ रुपए का, उसके अंदर हमने डिस्बर्समेंट कर दिया है। 29 लाख जो सारे लोग थे, 29 लाख लोग जो पेशेंट थे, उनको पैसा दिया है, उनके अकाउंट में पैसा गया है। निमिषा गौर जी, अब एक मिनट निमिषा गौर जी, एक और इसमें गारंटी है, एक मिनट, ईडी आती बता के नहीं जाती, आपका तो नहीं है, कहीं बीजेपी के नेताओं का तो नहीं है, क्योंकि बता के नहीं जाती, और कल देखा आपने कि ईडी का तो अधिकारी खुद रिश्वत ले रहा है, ईडी का अधिकारी रिश्वत ले रहा है, टिड्डी दल के नारे घूम रहे हैं। एक मिनट निमिषा गौर जी एक और गारंटी है इसमें कि भाई ओपीएस का कानून लेकर आएंगे। ओपीएस पर बीजेपी का राजस्थान में स्टैंड क्या है? देखिए, राजकुमारी जैन जो ओपीएस की ब्रांड एम्बेसडर थी, उनको कितना दिया इन्होंने? मात्र 13,000 रुपए देके रवाना कर दिया, और कोई पेंशन नहीं मिली उनको आज तक। जिनको इन्होंने अपना फेस बनाया, वो ही आज शिक्षक विभाग में थी, वो रिटायर्ड है, उनको बड़ी आशा थी, वो फेस थी कि मुझे ओपीएस मिलेगी, कोई लागू नहीं। और एक और सुनिए मेरी बात, एक मिनट एकदम क्लियर, राजस्थान की कांग्रेस सरकार कोई गारंटी नहीं है। निमिषा जी सुनाइए, मैं ये कह रही थी कि सरकार ने जो ओपीएस लागू की है, इनका थोड़ा ऑडियो बढ़ाइए, फायदे की चीज है हम सब कर्मचारियों के लिए, क्योंकि जो एनपीएस में हमें पैसा मिलता है, सुना वो हमारे ये झूठ की जुमले की सरकार है, ये फिर से फर्जी लाभार्थी ला रहे हैं। आप अपने चैनल पे दिखाइए, जूम कीजिए, आप देखिए इनकी हालत देखिए, राजस्थान के अंदर आप ओपीएस का लागू नहीं कर पाए। सुन तो लीजिए ना मैम, सुनिए ना, एक मिनट ज्ञापित करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ओपीएस लागू की, और सबसे पहले की चलिए निमिषा गौर जी अब बताइए। देखिए ओपीएस लागू की, धन्यवाद, लेकिन एक मिनट ओपीएस लागू, राजकुमारी जैन उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया उन्होंने। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? कुछ नहीं मिला है। ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? ये सुना दिया राजकुमारी जैन जी का, अभी आपको देखिए बोल रहे हैं, तो नहीं है, देखिए सुनाइए, वो इनके पास में वो वीडियो है। अरे प्रतीक जी धैर्य तो रखिए, यहाँ पर नहीं है, धैर्य तो रखिए, मैंने आपकी बात मान ली, आप ये बताइए ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है? निमिषा गौर जी बोल के आप जा रहे हैं, ओपीएस पर बीजेपी का स्टैंड क्या है मैम? आप स्टैंड क्लियर है कमेटी पे, इस पे विचारार्थ है, लेकिन राजकुमारी जैन को जब ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। चलिए शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए निमिषा जी, प्रतीक जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। गारंटी जनता के लिए दी गई है, अब जनता को तय करना है कि गारंटी वारंटी के साथ कितनी लंबी चल सकती है। और ये नेता और पार्टी के चेहरों के साथ जब आप जुड़ते हैं तो आपको जो घोषणाएं दी जाती है ना दरअसल, और जिसको हम घोषणा पत्र कहते हैं, कोई संकल्प पत्र कहते हैं, वो भी दरअसल गारंटी होती है कि आपको देंगे। तो आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी आपको ज्यादा मुनाफा या आपका फायदे की गारंटी देती है। वोट क्योंकि आपका है। नमस्कार।